विराट कोहली और मयंक अग्रवाल के हाफ सेंचुरी के चलते इंडिया इज वंस अगेन राइट ऑन टॉप। हैशटैग आकाशवाणी। अब जमैका का ये जब मैदान था, जब इस पे हमने पिच देखी, सबाई ना पा के यहाँ के ग्राउंडमैन क्या कह रहे थे, कह रहे थे भैया हमने बहुत देख ली स्पिन, इसलिए हम छोड़ने वाले हैं इसे बहुत सारी घास। एंड दे वर एब्सोल्युटली राइट, एकदम हरियाली थी उस पिच के ऊपर। एक्चुअली पिच ऐसा लग रहा था उस पे गायें या बकरियां चराने के लिए इतनी घास छोड़ी गई है, तो अब तो स्पिन देखने को मिलेगी नहीं। जो टॉस जीते हो गेंदबाजी का फैसला करेगा। खैर ऐसा ही किया वेस्ट इंडीज ने, दूसरा लगातार टॉस जीता, दूसरी बार लगातार गेंदबाजी का फैसला किया। लेकिन मतलब आपको अगर पहले बोलिंग करनी है तो फिर आप फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके स्पिनर को क्यों खिलाएंगे। दे प्लेड विद टू स्पिनर्स, रहीम कॉर्नवॉल को डेब्यू थमाया गया, ऑफ कोर्स रॉस्टन चेज इज प्लेइंग, इज आल्सो अ डीसेंट बैट्समैन। अब आपके पास गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी के विकल्प उतने थे नहीं। आपके पास जेसन होल्डर हुज ऑलराइट एक्चुअली बोल्ड वेल, शैनन गैब्रियल हैड अ वेरी ऑफ डे, और कीमार रोच इस मैच में कह रहा हूं मैं जो परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं थी, तो पिछले मैच में ही वॉज बॉलिंग बेटर। इस मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन पिछले मैच में ज्यादा अच्छी की थी। भारत की शुरुआत अच्छी हुई नहीं, और यहाँ पे माना जा रहा था कि शुरुआत अच्छी होगी नहीं क्योंकि साइडवेज मूवमेंट काफी था। बहुत बढ़िया गेंद था वो जेसन होल्डर का, जिसने आउट किया केएल राहुल को। और आजकल वैसे एक नया फैशन हो गया सोशल मीडिया पे कि केएल राहुल के बहुत सारे क्रिटिक आ गए हैं कि अरे आप इनको कितने मौके दे रहे हैं यार, वो बॉल ही बहुत अच्छी थी यार, इट्स ऑल राइट। पिछले मैच में ही गॉट अ स्टार्ट, ऑफकोर्स मुझे भी लग रहा था कि वो कन्वर्ट करें, लेकिन दीज थिंग्स हैपन। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य मत खोइए। कमाल लाजवाब राहुल रन बनाएगा यार, अच्छा खेलता है वो। बट देन जो हमारी विशलिस्ट थी, एक विशलिस्ट में ये था कि मयंक अग्रवाल रन बनाए, और उन्होंने रन बनाए, अच्छी बैटिंग की। क्योंकि बल्लेबाजी जब कंडीशंस इतनी डिफिकल्ट हो, थोड़ी ट्राइंग सर्कमस्टांसेस हो, उसमें अगर आप अर्धशतक जड़ते हैं तो मैं कहूंगा वेल डन। आई वाज होपिंग कि इनका शतक हो जाए, मतलब पहला इनके टेस्ट करियर का, मे बी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, मे बी इन द सेकंड इनिंग्स, लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन ये अर्धशतक महत्वपूर्ण था, चितेश गुजारा मिस्ड आउट, और ये मैं थोड़ा सा हैरान भी, थोड़ा सा परेशान भी, क्योंकि आउट किस पे हुए, रहीम कॉर्नवॉल द डेब्यूटेंट। अब ये बन गए विश्व के सबसे भारी भरकम खिलाड़ी, एंड ही वाज पुलिंग हिज वेट इनटू द साइड। दो कैचेस पकड़े उन्होंने स्लिप में, और जिस प्रकार से आउट किया चेतेश्वर पुजारा को, वो देखने लायक बात थी, क्योंकि उसमें मिला अतिरिक्त उछाल, और फिर मतलब मारना चाहते थे कट, कंट्रोल नहीं कर पाए, गेंद गई सीधा फील्डर के पास, और उसके बाद एक अच्छी साझेदारी, एंड देन विराट रन मशीन कोहली। विराट कोहली ने क्या किया, पहले जो पांच रन थे वो मात्र नहीं, पहले पांच मात्र जो रन थे वो 30 गेंदों में, एकदम डिफेंस 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 डिफेंस, बैटल ऑफ एट्रिशन, क्योंकि पहला सेशन बल्लेबाजी के लिए अनुकूल था नहीं उतना। उसके बाद गियर बदलने शुरू किए, एक तरफ मयंक अग्रवाल आउट भी हुए, और जिनके रहाणे हैं, जिनके रहाणे भी आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली को रोकने वाला कोई गेंदबाज था नहीं, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, और क्या कमाल के ड्राइव लगा रहे थे शैनन गैब्रियल को कवर्स के थ्रू, और रहीम कॉर्नवॉल को डाउन द ग्राउंड, जो उन्होंने खड़े खड़े ड्राइव लगाए ना, क्या थे यार, आई होप कि आप सोए ना हो उस समय, क्योंकि वो देखने लायक थे। पर जिनके रहाणे आउट हुए, अच्छी गेंद थी बाहर की गेंद, भारी किनारा, वो आउट हुए, उससे पहले ऑफकोर्स मयंक अग्रवाल आउट हुए। अब भारत थोड़ा सा समस्या में आया जब आउट हुए विराट कोहली, क्योंकि कोहली वाली गेंद भी बड़ी अच्छी थी, वो मतलब बॉक्स के कोने से हल्की सी फेंकी थी, जेसन होल्डर ने भारी किनारा लगा, कीपर के पास गेंद। बाय द वे यहाँ पे याद दिला देते हैं कि एक और परेशानी है वेस्ट इंडीज के साथ, मतलब कहते ना गरीबी में आटा गीला, तो वो कहानी है, शे होप अनअवेलेबल, अगर वो नहीं है तो उनकी जगह एक नए विकेट कीपर है, और होप में तो उनकी वैसे थोड़ी बहुत उम्मीदें थी कि अगर पिच में थोड़ी सी मदद रहेगी, इंडियन बॉलर्स को रोकना होगा, तो वो काम शायद शे होप कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं इस मैच में, वो खेल ही नहीं रहे हैं। खैर विराट कोहली आउट हुए, 75 मिस्ड आउट ऑन अ सेंचुरी, दो लगातार पारियां, ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा हुआ। क्रेडिट टू जेसन होल्डर ऑन दिस ओकेजन। फिर आए हनुमा विहारी, साथ में ऋषभ पंत, भारत थोड़ा सा प्रिकेरियस सिचुएशन में था, 202 पे 5, और वहां पर हनुमा विहारी, क्या बात है तुम्हारी, मजा आ गया, मतलब क्लास की बैटिंग की। क्या इन्होंने कवर ड्राइव लगाए, क्या इन्होंने एक आधा स्ट्रेट ड्राइव लगाया, कवर ड्राइव तो खैर बहुत ही बढ़िया थे, शैनन गैब्रियल वाज ऑफ कोर्स बिलो पार, ऋषभ पंत पहला चौका को पॉइंट पे अच्छा था, फिर सामने छक्का वो अच्छा था, बट देन अब ये 61 रन की जो साझेदारी है, इसने भारत को सुरक्षित स्थान पे तो पहुंचा दिया है, पर यहां से आगे जाना है, तो क्या पंत शतक जड़ सकते हैं, क्या हनुमा विहारी को मिलेगा उनका पहला टेस्ट शतक, ये देखने लायक बात होगी। दूसरे दिन जो ऑफकोर्स आज का दिन, तो वो देखने लायक बात होगी। लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए एक बात फिर, हमने टॉस जीता, हमने फील्डिंग की, हमने दो स्पिनर खिलाए, पहले दिन आपने 39 ओवर स्पिन से कराया, 39 ओवर स्पिन ऑन डे 1, भाई फिर बैटिंग कर लेते यार,
और मैं तो कह ही रहा हूँ अगर बैटिंग आप नहीं करेंगे ना तो भारत को 100-150 रन में आपको आउट करना पड़ेगा अगर आप मैच जीतना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेस्ट इंडीज इस मैच से पहले दिन इतना दूर चला गया है कि वापस आते आते इनको बरसों लग जाएंगे। लास्ट वर्ड ऑन द इंडियन टीम अनचेंज, विराट कोहली दूसरी बार गया इन्होंने अपने करियर में कि दो लगातार मैचेस में सेम ही टीम खिलाई है। सो नो अश्विन, नो रोहित एंड नोबडी एल्स एक्चुअली। जो टीम खेली थी पहला मैच वही खेल रही है दूसरा मैच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। #आकाशवाणी आजकल तो वैसे टी शर्ट पे भी होता है यार।